हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सके। हरे कृष्णा। खुला खुला मौसम, मजा आ गया। चाय भी गरम है और मजा आ गया। श्रीवास्तव जी का लड़का दिख रहा है, धोती कुर्ता पहना है, माला लिया है, पंडित बन गया क्या? जिंदगी भर श्रीवास्तव जी दूसरों के लड़कों का खूब मजा ली। उनका लड़का ऐसा है, फलाना ऐसा है, चिलाना वैसा है, वो आवारा है। अब खुद के लड़के के ऊपर बात भी तो समझ में आएगा। अब आप आए श्रीवास्तव जी पहाड़ के नीचे। अब मजा लेने का टाइम आया है। मोहल्ले में खूब बुराई करूंगा, अब मजा लूंगा। चलता हूं मजा लेके आता हूं। और बेटा बेटा कैसे हो? धोती कुर्ता, तिलक चंदन, जप माला, जप नाम। पार नहीं हुई का इंजीनियरिंग? टफ तो है वैसे थोड़ा बहुत। चलिए ये भी अच्छा मार्ग है, आसान मार्ग है, धर्म का काम है। हरे कृष्णा हरे राम है। अरे जरूरी थोड़ी है कि हर व्यक्ति डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस पीजीएस बने। अरे कुछ पंडित जी लोग चाहिए ना। घर में सत्यनारायण बाबा का कथा कौन कराएगा? कुछ लोग कथा कराने वाले चाहिए कि नहीं चाहिए? और बेटा तुम भी चल पड़े मोक्ष की तलाश में। हरे रामा हरे कृष्णा, भगवत धाम की तैयारी। हाँ संघ का असर तो पड़ता ही है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता ही है। बहुत अच्छा मार गए आप दोनों लोगों का, बहुत अच्छा मार गए। पंडित दीदी करिए, कथाकार बनिए। वैसे मार्ग तो आपका भी आसान नहीं है अंकल। ये मेरे अंकल है शर्मा अंकल जी, उसे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा मेरे बारे में सोचते रहते हैं। छत पे खड़े थे, मुझे देखकर तुरंत ही भाग के मेरे पास आए, चप्पल भी नहीं पहने, इतना मेरे बारे में सोचते हैं, इतना प्यार करते हैं अंकल मुझे। अंकल मेरी पढ़ाई की चिंता तो मत कीजिए आप, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। रिसेंटली 4th ईयर का IIT का एग्जाम दिया है, प्लेसमेंट भी हो गया है, सब बढ़िया चल रहा है अंकल, टेंशन मत लिया करो। ये मेरे दोस्त है सृजन, ये IIT में 4th ईयर में है, इनकी भी जॉब प्लेसमेंट लग गई है। इतना टेंशन मत लो अंकल, सब बढ़िया चल रहा है भगवान की कृपा से। जॉब लग गई तो धोती कुर्ता क्यों पहने हो और माला लेके क्यों चल रहे हो? अंकल हुआ क्या, हम लोगों ने ना एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी के बारे में सुना जिनका नाम था शीला प्रभुपाद। हमने देखा शीला प्रभुपाद ने अमेरिकन ब्रिटिशर्स को धोती कुर्ता पहना दिया। मैंने देखा यार जिन बंदों को मैं फॉलो कर रहा हूँ वो उनको फॉलो कर रहे हैं। तो फिर मैंने अपना इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाया, खूब रिसर्च किया और मैंने आइडिया निकाला, क्यों ना मैं उन्हीं को फॉलो करूँ जिनको अमेरिकन ब्रिटिशर्स फॉलो कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? तो फिर क्या अंकल, आप देखिए आराम से पहने हुए धोती कुर्ता बीट बैग ले लिया, इसे धोना आसान है, सुखाना आसान है, झाड़ना आसान है, फट जाए तो चिंता नहीं, सस्ते का सस्ता है और कई कलर्स में भी अलग मिलता है, इसका रंग भी नहीं उड़ता है, जिंदगी भी मजे में चल रही है अंकल, क्या बताएं। और सबसे अच्छी बात बताए कि अंकल जब गर्मी बढ़ जाती है ना तो अंदर से ठंडी भी लगता है। अरे अंकल जब से भक्ति में जुड़े हैं इतना आनंद है क्या बताए। अभी क्या ना मंदिर जा रहा हूँ, दर्शन आरती का समय हो रहा है, जब भगवान के पाठक खुलते हैं और जब भगवान जी आते हैं और गोविंदम आदि पुरतम बजता है, अरे बोल मजा आ जाता है अंकल जी। अभी क्या अंकल लेट हो रहा हूँ, 7 बजे का दर्शन आरती है ना, आपको शाम को मिलता हूँ, आपके लिए लड्डू प्रसाद लाऊंगा, है ना अंकल जी? अरे कृष्णा चलो चलते हैं। ये मेरे अंकल जी हैं, थोड़े चुटकुले से ना थोड़ा मस्ती मजाक करते हैं। बेटा बेटा मतलब मैं सोच रहा था कि कभी मेरे लड़के पप्पू को भी लेके जाओ यार, दिन भर फोन में घुसा रहता है, खाते वक्त फोन चलाता है, बाथरूम में फोन चलाता है, सोते वक्त फोन चलाता है, उठते वक्त फोन चलाता है, परेशान आ गया हूँ। और सिखाओ उसको अपने साथ, अब समझ रहे, थोड़ा उसको मंदिर वंदिर ले जाओ, दर्शन आरती कराओ, थोड़ा थोड़ा सिखाइए उसको भी, है कि नहीं?
हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। मुझे इस्कॉन टेम्पल जाना था, आप चल सकते हैं क्या? हाँ हाँ चलेंगे सर, चलेंगे। आइए बैठिए बैठिए, पूरा रिक्शा है, पूरा एकदम फर्स्ट क्लास का, बैठिए आइए, चलते हैं, आइए बैठिए। वो लॉकडाउन से पूरा नुकसान चल रहा हम लोग का, चलिए। अच्छा भैया सुनिए, इस्कॉन मंदिर का 35 रुपये लूंगा, कोई किराए के लिए कचकचबाजी नहीं चाहिए, बहुत चढ़ाई है, बहुत हालत खराब होती है हम लोग की। जी जी ठीक है चलिए। ठीक है ठीक है चलिए। अच्छा भैया जो आपका इस्कॉन मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, मतलब बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा है, और मतलब कि गरीब आदमी कहाँ जा पाता होगा उसके अंदर, इतना बड़ा बड़ा लाल पत्थर लगा उसके अंदर, हम लोग तो देख के डर जाते हैं, कहीं दब के मर गए तो दूर से प्रणाम कर लेते हैं उधर। अब रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, कोई बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमने वाले सेठ तो है नहीं, है कि नहीं? और ये मंदिर वंदिर में तो बड़े बड़े आदमी आते होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी से, VIP पास वाले, बड़ी बड़ी मैडम के साथ, हम लोग कहाँ जा पाएंगे सर, और कौन हम लोग को अंदर ले जाएगा सर, रिक्शे वालों को, है कि नहीं? एक बात बताइए, आप कौन से वाले हैं? आप भी VIP वाले हैं या जनरल लाइन वाले हैं? लग तो वैसे VIP वाले ही लग रहे हैं। अरे सर हम गरीबों को कौन मंदिर लेके जाएगा, हम लोग के कहाँ नसीब में ये सब है, ये तो अमीरों लोगों का काम है, बड़े बड़े गाड़ियों वालों का। लीजिए सर आपका मंदिर भी आ ही गया, अब जाइए आराम से भजन कीर्तन करिए, पूजा पाठ करिए, हम लोग रिक्शा चलाते रहेंगे इस तरीके से, है कि नहीं? अच्छा भैया मैं क्या कह रहा था, आप भी मेरे साथ आज मंदिर चलिए, ठीक है? चलिए भैया मंदिर ले चलिए। अरे हम लोग सीधे सीधे आ गए, किसी ने रोका ही नहीं, कोई गरीबी नापने का कोई डिटेक्टर मशीन में नहीं था कि गरीब है कि अमीर है, और जातिवादी भी मतलब किसी ने पूछा नहीं कि मतलब कौन सी जाति का है, कुल क्या है, गोत्र क्या है, कोई भी आ सकता है क्या? अरे हर कोई आ सकता है। अच्छा चलिए दर्शन करके आए, कराइए थोड़ा दर्शन, मैंने सुना है बहुत अच्छा होता है यहाँ, बाकी बिहारी जैसा दर्शन होता है यहाँ पे भी हरे कृष्णा वालों का, चलो करके आ चलिए। दर्शन तो बहुत अच्छा कराया आपने भैया एकदम, और प्रभु जी मन एकदम शांत हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कुछ प्रसाद पाएंगे? अब हम लोग को भी मिलेगा प्रसाद? अरे अरे चलो आपको खिचड़ी प्रसाद पवाता हूँ। खिचड़ी तो चलिए अच्छा है, ठाकुर जी का प्रसाद है ये, हमारे यहाँ का स्पेशल प्रसाद है खिचड़ी प्रसाद। अब पाइए, अभी मेरे को जाना है, थोड़ा सेवा है मेरा, आप कभी समय निकाल के अपने परिवार के साथ। हाँ जरूर जरूर आएंगे, जरूर आएंगे जरूर। ठीक है हरे जी। भैया थोड़ा और दीजिए ना, फ्री का है ना भैया, आप लाइन से आ जाइए। लाइन में आए, गरीब देख के सब लोग लाइन में लगाता है। Very good afternoon. Please be seated. गले में तुलसी माला, अच्छा माथे पर तो गोपी चंदन नहीं दिख रहा है, ओ बैग के अंदर जप माला, हरे कृष्णा। तो 16 माला होगी आपकी? हाँ सर, बट आपको कैसे पता?
अरे हमने भी बहुत किया यार, माला वाला भक्ति भक्ति बहुत किया हमने भी। आपको तो मैंने बताया है कई बार वर्मा जी, है कि नहीं? एक्चुअली बात तब की है जब मैं अपने कॉलेज में था, तो वहाँ पर एक संत महात्मा आए, उनके पास भगवद गीता थी और गीता जयंती का मौका था, तो उन्होंने मुझे अपनी भगवद गीता दी यथारूप। और फिर मंदिर भी जाता था वहाँ पर संडे संडे क्लास में, बहुत प्रश्न पूछता था मैं वहाँ पर, केक खाता था वहाँ पर, चमचम हो गया आपका, रसमलाई है, रबड़ी है, संदेश है, कचौड़ी है, सब एक्स वाई जेड कुछ छोड़ता नहीं था मैं। और एक चीज़ जो थी उसका क्या, तो उसका नाम था, वो दिमाग से निकल रहा है, उसका बुलेट, हाँ स्कॉन बुलेट्स कहते थे उसको। अरे बाप रे बाप, तो सही में बुलेट था एकदम, मतलब उसके स्वाद से मैं आज भी घायल हूँ, मतलब उसका स्वाद आज भी मुझे याद है पूरा एकदम। फिर उसके बाद फिर पढ़ाई कंप्लीट हो गई, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद फिर जॉब लग गई, फिर एक दो सालों के बाद मेरा ट्रांसफ़र भी हो गया, यू नो दैट। उसके बाद सो मेनी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिर टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, बट फिर भी मैं जो है रेगुलर जो है जाता हूँ वहाँ पर, मंदिर ज़रूर जाता हूँ। मतलब रेगुलर से मतलब है कि मतलब जन्माष्टमी टू जन्माष्टमी में जाता हूँ, कभी जन्माष्टमी मैंने मिस नहीं किया आज नहीं। बाय द वे सर, एक गुड न्यूज़ है, हमारा स्कॉन का सेंटर इसी कॉलेज के पास में है, वहाँ पर हम यूथ फेस्टिवल्स करते हैं, प्रोग्राम क्लासेस करते हैं, सो जब भी आपको टाइम मिले तो आइए हमारे सेंटर पे, मैं आपको महाप्रसाद खिलाता हूँ। ओह वेरी नाइस, आपका बेस है यहाँ पे, वेरी गुड। वर्मा जी हम लोग चलेंगे कभी इनके बेस में, बहुत मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर बेस है, और स्पेशली वर्मा जी की बुलेट पर बैठ कर आपकी बुलेट खाने आएंगे हम लोग। बिना मेहनत कर ही लगता है नौकरी मिल जाएगी, ना इंटरव्यू हुआ ना कुछ, थैंक यू भगवान ऐसे ही नौकरी मिल गई। तो कुछ इंटरव्यू वगैरह भी हो जाए आपका, सवाल जवाब? तो एज ही इज़ अ डिवोटी एंड ही इज़ रीडिंग भगवद गीता, स्पेशली भगवद गीता एज इट इज़, सो यू शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन योर लाइफ, सो आपसे तो ज़्यादा टफ सवाल पूछे जाएंगे। सो गेट रेडी फॉर द टफ क्वेश्चन। हरे कृष्णा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें आपको क्या पसंद आया इस वीडियो में, और शेयर करें जिससे ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल शिक्षार्थकम को। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि किसी भी मूवी को बनाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम इस प्रकार की मूवीज को रेगुलर इंटरवल पर बनाते रहें, तो आप हमें प्लीज फाइनेंशियली सपोर्ट करिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इस मूवी को बना सकें। इसके अलावा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किन टॉपिक्स पे चाहते हैं कि हम आपके लिए शॉर्ट फिल्म बनाएं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे शिक्षार्थकम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और सारे चीजों का पर्पज यह है कि भगवदगीता का डिस्ट्रीब्यूशन, भगवदगीता का प्रचार। तो अगर आप अपने फ्रेंड, रिलेटिव, किसी वेलविशर को भगवदगीता देना चाहते हैं, गिफ्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन भगवदगीता ऑर्डर करने का लिंक है, जहां से आप भगवदगीता किसी को भी दे सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।